स्वागत है आपका जीएस वॉरियर में। दोस्तों, अभी हम जो बात करने वाले हैं यह समस्तीपुर जिला के कुछ प्रमुख ये पर्यटन स्थल देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप पिछले वीडियो में समस्तीपुर जिला से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त किए, उसमें हमने इतिहास, भूगोल संबंधित और भी अन्य कुछ बातें देखे थे, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा समस्तीपुर जिला के पर्यटन स्थल। दोस्तों, यह दूसरी सीरीज है और लास्ट हमारा तीसरी सीरीज में समस्तीपुर जिला से संबंधित जितने भी मानचित्र उभर के आते हैं वो आपके सामने हम प्रदर्शित करेंगे। दोस्तों, आइए जरा देखते हैं समस्तीपुर जिला के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल। दोस्तों, जैसा कि हम या फिर आप जानते हैं, समस्तीपुर जिला में वैसे तो पर्यटन स्थल बहुत से हैं, लेकिन यहाँ हम कुछ प्रमुख जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं समस्तीपुर जिला के एकमात्र महाकवि, जिसे हम लोग आरसी प्रसाद सिंह कहा करते हैं। दोस्तों, ये आरसी प्रसाद सिंह का जन्म एरोत में होता है। दोस्तों, यह गांव एरोत मुसरी जो है रोसरा आपको अनुमंडल के तहत आता है। आप यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि एरोत जो है महाकवि आरसी प्रसाद सिंह का जन्म स्थली रहा है। और दोस्तों, यह आरसी प्रसाद सिंह जो है हिंदी व मैथिल साहित्य के महाकवि रह चुके हैं। आइए अब प्रमुख स्थल के दूसरी कड़ी में देखते हैं बंदा। दोस्तों, यह बंदा जो है, बंदा समस्तीपुर जिले का सबसे अच्छा व एक विद्वानों का स्थल रह चुका है। और दोस्तों, बंदा में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसका नाम मानस मंदिर बंदा के नाम से जाना जाता है। आइए अब आगे देखते हैं विद्यापति नगर। दोस्तों, विद्यापति धाम से आप तो वाकिफ होंगे ही। तो दोस्तों, विद्यापति धाम में क्या है, विद्यापति नगर में, कि शिव के एक अनन्य भक्त जो है वह महान मैथिल कवि विद्यापति जी हैं। और विद्यापति ने यहाँ, जहाँ भी विद्यापति नगर है दोस्तों, अपना अंतिम क्षण वहीं बिताया था। गंगा तट पर जो है, गंगा किनारे अपना अंतिम दिन वहीं गुजारे थे, उनकी मृत्यु वहीं हुई थी। और दोस्तों, इनके पीछे कुछ कहानी भी इनसे जुड़ी हुई है कि विद्यापति जी को साक्षात भगवान शिव का दर्शन हुआ था। और दोस्तों, भगवान शिव उनके यहाँ, विद्यापति जी के यहाँ उगना के नाम से नौकरी किया करते थे। दोस्तों, कुछ विवाद खड़ा हो गया था कि उनकी पत्नी जो है उस उगना पर अत्याचार ढा रही थी, जिसे विद्यापति जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। और कुछ ऐसा पल आ जाता है कि वहाँ के बाद भगवान शिव और विद्यापति जी का अलगाव होता है। और दोस्तों, जब अंतिम क्षण आता है, कहा जाता है, ऐसा लोगों का मान्यता है कि विद्यापति जी अपनी बीमारी के कारण उसी विद्यापति नगर में जब गंगा तट जाने में असमर्थ थे, यानी वह उनकी क्षमता नहीं थी कि गंगा तट जाएं वो, तो गंगा ने अपनी धारा बदल दी थी विद्यापति के कारण दोस्तों, और उनके आश्रम से गंगा की धारा प्रवाहित होने लगी दोस्तों। और वह जो आश्रम है अब जो है एक प्रकार से लोगों का श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। इसके बाद आगे हम देखते हैं बाबा हरिहरनाथ महादेव मंदिर। दोस्तों, बाबा हरिहरनाथ महादेव मंदिर कहाँ है, तो बाबा हरिहरनाथ महादेव मंदिर जो है ये समस्तीपुर जिला में एक छोटा सा गांव आता है, जिसे हम लोग खेरी कहा करते हैं। दोस्तों, यह खेरी कहाँ है, हरिहरपुर खेरी ग्राम आता है इसका, हरिहरपुर खेरी। और दोस्तों, यदि प्रखंड की बात करें तो यह खानपुर प्रखंड में आता है, और यह समस्तीपुर से यानी जिला से 18 किलोमीटर पूर्व में अवस्थित है। दोस्तों, इसी पंचायत में यानी हरिहरपुर खेरी में ही आपको इसी के पास एक कोठी मिलेगा, जिसे हम लोग मसीना कोठी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यह मसीना कोठी है क्या, आइए जरा इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, मसीना कोठी जो है अंग्रेज के समय में एक कोठी हुआ करता था। और दोस्तों, इस कोठी का काम क्या था तो सुनिए। मसीना कोठी में अंग्रेजों के समय में नील की खेती काफ़ी मात्रा में किसानों द्वारा पैदा किया जाता था, यानी खाद्य फसल नहीं
खाद्य फसल की खेती नहीं की जाती थी और नील की खेती काफ़ी पर्याप्त मात्रा में वहाँ करवाया जाता था। और दोस्तों ज्यों ही आज़ादी हुआ, कहा जाता है कि जब नील की खेती जिस क्षेत्र पर की जाती है तो उस क्षेत्र की उर्वरा शक्ति हीन हो जाती है, छीन होती है, यानी घट जाती है। और दोस्तों देखिए वही विडम्बना आज यह बना हुआ है कि उसी मसना कोठी में जहाँ नील की खेती पर्याप्त मात्रा में किया जाता था, आज़ादी के बाद किसानों ने इतना जीत और मेहनत किया, पता नहीं क्या था उनके किसानों के रगो रगो में क्या समाया हुआ था कि उस उर्वराहीन क्षेत्र को उर्वरा शक्ति के काबिल बना दिया दोस्तों। और वहाँ अच्छी मात्रा में काफ़ी गजब किस्म की वहाँ मक्का की खेती काफ़ी मात्रा में होने लगी और साथ साथ अन्य फसलों की खेती भी होने लगी। और दोस्तों यही नहीं, और जान जाइए कि मसना कोठी जो है वह अन्य फसल का अनुसंधान केंद्र भी बना हुआ है और मक्का के बीज का केंद्र भी बना हुआ है। यही मसना कोठी की कहानी है दोस्तों। यहाँ मसना कोठी के द्वारा जो भी बीज तैयार किया जाता है यह दूरदराज के इलाकों में भेजा जाता है। और इसी मसना कोठी के निकट एक आपको गांव आएगा, वह गांव का नाम है भोरे जयराम। और दोस्तों यह हम गाँव क्यों बोल रहे हैं भोरे जयराम, तो सुनिए यह भोरे जयराम जो है दोस्तों, यह खेती करने का जमीन भोरे जयराम के पास करीब 2200 एकड़ जमीन है दोस्तों। इसी भोरे जयराम में मक्का की खेती काफ़ी पर्याप्त मात्रा में किया जाता है। और दोस्तों आपको बता दें यह जो बाबा हरिहरनाथ महादेव मंदिर है, यानी ये आपको हरिहरपुर खेरी में, यहाँ दोस्तों यह मंदिर बूढ़ी गंडक के तट पर अवस्थित है। और समझ जाइए कि इस बाबा हरिनाथ महादेव मंदिर का निर्माण किसने किया, तो आपको समस्तीपुर जिला में एक बछौली गांव आता है, बछौली मुड़ियारों के रहने वाले थे स्वर्गीय धौली महतो। और दोस्तों यह जानिए धौली महतो जो है इन्होंने एक मन्नतें मांगी और इनकी जब मनोकामना पूर्ण होती है तो उन्होंने यह मंदिर का निर्माण कराया दोस्तों। यह मंदिर जो है बाबा हरिहरनाथ महादेव मंदिर खेरी में जो है, इसमें जो होता है शिवरात्रि के अवसर पर एक महान भव्य मेला का यहाँ आयोजन किया जाता है, शिवरात्रि के लिए यह प्रसिद्ध है। और दोस्तों आपको यह बता दें कि इस बाबा हरिहरनाथ मंदिर में महादेव के अलावा हनुमान जी की भी एक विशाल प्रतिमा बनाई गई है, दुर्गा जी की भी प्रतिमा है और सारे अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा है। आइए जरा अब देखते हैं अगली कड़ी में देखते हैं हम लोग करियन दोस्तों। यह करियन जो है आपको शिवाजी नगर प्रखंड में आता है, रोसरा अनुमंडल के शिवाजी नगर प्रखंड में करियन आता है दोस्तों। करियन किस लिए प्रसिद्ध है, एक करियन जो है अपने विद्वता के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ एक विद्वान हुआ करते थे, आइए जानते हैं उन करियन के बारे में दोस्तों। महामहिषी कुमारिल भट्ट के शिष्य कौन थे, महान दार्शनिक उदयनाचार्य थे जिनका जन्म यहीं करियन गांव में हुआ था। और दोस्तों ये उदयनाचार्य का जन्म जो है 984 ईस्वी में शिवाजी नगर प्रखंड के करियन गांव में हुआ था। और दोस्तों इसी उदयनाचार्य के नाम पर रोसरा में एक कॉलेज है जिसका नाम है UR कॉलेज, यानी उदयनाचार्य कॉलेज होगा। आइए जरा अब देखते हैं हम लोग, तो हम यह देखेंगे कि ये जो उदयनाचार्य हैं दोस्तों, यह उदयनाचार्य न्याय दर्शन और तर्क के क्षेत्र में बहुत सारी किताबें लिखी, जैसे लक्ष्मणमाला, न्याय, कुसुमांजलि, उसके बाद आत्म तत्व विवेक, किरणावली आदि अन्य बहुत सी पुस्तकें लिखी जिन पर वर्तमान में शोध जारी है दोस्तों। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि इतनी बड़ी विद्वता होने के कारण, बहुतों दिन पहले की बात है दोस्तों, 984 ईस्वी में जन्म हुआ था और विद्वता के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। और दोस्तों यह दुर्भाग्य यह है कि आज यही करियन अपने ये इतनी बड़ी ये विद्वता पर क्या कर रहा, अपना राग अलाप रहा है और इस पर सरकार की कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और सरकार का यह स्थल जो है सरकार का उपेक्षा का शिकार भी बना हुआ है। आगे की कड़ी में हम देखते हैं समस्तीपुर जिला के पर्यटन स्थल में देखेंगे तो माली नगर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। यह माली नगर के बारे में यदि कहानी जानेंगे तो माली नगर 1884 ईस्वी में इसी माली नगर में शिव मंदिर बना था। 1884 की बात कर रहे हैं, यानी आज़ादी से पहले जब ब्रिटिश शासन कायम था, पूरे भारतवर्ष पर क्षेत्र का अधिकार था, ब्रिटिश शासन अपना सत्ता पर काबिज था,
उसका उस समय की बात है कि इस माली नगर में शिव मंदिर बनवाया गया। और दोस्तों यह माली नगर में जो शिव मंदिर है यहाँ प्रत्येक वर्ष रामनवमी मेला का आयोजन करता है। और यह माली नगर हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार बाबू देवकी नंदन खत्री व शिक्षाविद रामनाथ ठाकुर का जन्मस्थल भी रह चुका है। आगे की कड़ी में हम दोस्तों यदि देखेंगे तो हम पढ़ेंगे आगे मंगलगढ़। दोस्तों यह पर्यटन स्थल मंगलगढ़ के बारे में देखते हैं। मंगलगढ़ जो है समस्तीपुर जिला के तहत एक आपका नगर आता है हसनपुर, और हसनपुर से 14 किलोमीटर दूर है मंगलगढ़। दोस्तों मंगलगढ़ में प्राचीन किले का अवशेष भी प्राप्त है, और मंगलगढ़ में स्थानीय शासक हुआ करते थे मंगलदेव। और दोस्तों मंगलदेव के निमंत्रण पर इसी मंगलगढ़ में भगवान महात्मा बुद्ध इस मंगलगढ़ की पावन धरती पर पधारे थे, अपने संघ प्रचार के लिए आए थे और रात्रि में विश्राम भी किए थे। दोस्तों तो मंगलगढ़ जो है समस्तीपुर जिला का अपना वैभव्यता भी दिखाने में पीछे नहीं है। और दोस्तों हम यह बात आपको बता दें कि जिस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था वह बुद्धपुरा कहलाने लगा। और दोस्तों आज के दिनों में देखेंगे तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह बुद्धपुरा का अपभ्रंश शब्द होकर के दुधपुरा कहलाने लगा। आइए आगे की करीब हम देखते हैं मुहम्मदपुर कुवारी। दोस्तों यह पर्यटन स्थल मुहम्मदपुर कुवारी क्या है, उसकी विशेषता क्या है, तो समझिए मुहम्मदपुर कुवारी पूसा प्रखंड स्थित एक ऐतिहासिक गाँव है जहाँ मस्जिदों की सुंदरता देखते ही बना करती है। और आगे देखते हैं तो हम देख सकते हैं विभूतिपुर प्रखंड। विभूतिपुर प्रखंड में एक गांव आता है विभूतिपुर। दोस्तों यह विभूतिपुर अंग्रेज समय में नरहन एस्टेट हुआ करता था। दोस्तों नरहन राज्य हुआ करता था, यहाँ राजे रजवाड़े होते थे। आइए जरा इनकी कहानी देखते हैं। यहाँ दोस्तों जगेश्वर स्थान है, यानी जगेश्वरी देवी का स्थान है। दोस्तों जगेश्वरी देवी क्या है, इसके विशेषता क्या है, इनके बारे में जानते हैं। हम बता दें तो सिंगियाघाट रेलवे स्टेशन अब वर्तमान में नाम है सिंगियाघाट रेलवे स्टेशन। दोस्तों पहले इसका नाम हुआ करता था नरहन स्टेशन। तो सिंगियाघाट रेलवे स्टेशन से 14 किलोमीटर की दूरी पर विभूतिपुर में जागेश्वरी देवी का मंदिर बनाया गया है। और दोस्तों यह जागेश्वरी देवी द्वारा भगवान शिव का मंदिर बनवाया गया था। और यह जो जगेश्वर स्थान विभूतिपुर है दोस्तों, यह अंग्रेजों के समय का नरहन जो है एक रजवाड़ा हुआ करता था, जिसका भव्य महल आज विभूतिपुर में मौजूद है। और दोस्तों यह भी अपने भव्यता पर कायल है, यह भी अपने दुर्भाग्य पर रो रहा है। और दोस्तों यह जगेश्वरी देवी कौन है, तो जगेश्वरी देवी नरहन एस्टेट के राजा जो हुआ करते थे, नरहन एस्टेट के वैद्य यानी नरहन राज्य के वैद्य हुआ करते थे। कौन, भाव मिश्र की ही बेटी थी जगेश्वरी देवी। आइए आगे की कड़ी में देखते हैं रहीमाबाद। दोस्तों समस्तीपुर के रहीमाबाद की बात करें तो यह ताजपुर प्रखंड में स्थित है, और यह गांव जो है रहीमाबाद वह मदरसा अजीजिया सफलिया के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते हैं आगे की कड़ी में खुदनेश्वर स्थान। दोस्तों खुदनेश्वर स्थान भी आप सभी भली भांति इनसे वाकिफ होंगे। खुदनेश्वर स्थान जो है मोरवा प्रखंड यानी मोरवा अंचल स्थित मंदिर जो है, यह मुस्लिम द्वारा, जब एक मुस्लिम को शिवलिंग मिला था तो उसके द्वारा स्थापित किया गया खुदनेश्वर मंदिर है। दोस्तों यह मंदिर के साथ ही महिला मुस्लिम संत की मजार भी यहाँ है, जहाँ हिंदू व मुस्लिम द्वारा एक साथ पूजा किया जाता है खुदनेश्वर धाम मंदिर में। इसके बाद देखते हैं मुसरी घराड़ी। दोस्तों मुसरी घराड़ी जो है NH 28 पर अवस्थित है, एक गांव है मुसरी घराड़ी, जहां मुहर्रम व दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं संत दरिया साहेब आश्रम। दोस्तों दरिया साहब जो है बिहार के सूफी संत हुआ करते थे, दरिया साहब इनका आश्रम है, और समस्तीपुर जिला के दक्षिणी सीमा पर गंगा तट पर बसा धमोन गाँव में बना यह आश्रम है। और यह दरिया साहब आश्रम जो है निरंजन स्वामी का यहाँ जो है निरंजन स्वामी का मंदिर भी है इसी के पास में। दोस्तों इसकी हमें कविता शायद पढ़े थे दो पंक्तियों में कि दरिया दिल दरियाव है, ऐसे करके कुछ पढ़े थे। आइए आगे देखते हैं तो दोस्तों समस्तीपुर की बात करेंगे तो समस्तीपुर की वैभव्यता जो बढ़ाने में काम करती है वो है थानेश्वर स्थान, खाटू श्याम बिहारी मंदिर और कालीपीठ मंदिर हैं।
इसके बाद हम लोग देखते हैं शाहपुर बघौनी। दोस्तों शाहपुर बघौनी जो है ये भी ताजपुर प्रखंड में स्थित एक सुंदर गांव है, जहां 12 मनमोहक मस्जिद सुंदरता का मन मोह लेती है, ये शाहपुर बघौनी। इसके बाद देखते हैं माँ सती मंदिर। दोस्तों माँ सती मंदिर जो है धोबगामा में स्थित 500 वर्ष पुराना मंदिर है। धोबगामा में अवस्थित 500 वर्ष पुराना मंदिर माँ सती मंदिर है। अब देखते हैं दोस्तों तो रंजीतपुर माँ वैष्णवी मंदिर। रंजीतपुर माँ वैष्णवी मंदिर जो है समस्तीपुर जिला से 15 किलोमीटर, यानी समस्तीपुर से 15 किलोमीटर रंजीतपुर गांव में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, ये रंजीतपुर माँ वैष्णवी मंदिर जो है यहाँ चैत्र नवरात्रि में माता रानी की पूजा किया जाता है, उसके साथ ही भव्य मेला का आयोजन भी किया जाता है। आगे की कड़ी में हम देखेंगे ये किशनपुर बैकुंठ। दोस्तों समस्तीपुर से 23 किलोमीटर दूर वारिस नगर प्रखंड के तहत बसंतपुर रमणी पंचायत का एक संतोषजनक शिक्षित व दर्शनीय यह आपका किशनपुर बैकुंठ है, और यहाँ बाबा बैकुंठ महादेव मंदिर है, जिसके बारे में कुछ लोक कथा है। दोस्तों यह किशनपुर बैकुंठ के बारे में क्या लोक कथा, लोगों की क्या मान्यता है, लोगों की मान्यता है कि इसी किशनपुर बैकुंठ यानी बाबा बैकुंठ नाथ महादेव मंदिर में एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति जहर खा लिया, और दोस्तों उस जहर खाए हुए व्यक्ति को उसके परिजन ने यहीं किशनपुर बैकुंठ में लाया गया, और दोस्तों जो ही उसे लाया गया तो उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा, इसलिए लोगों की आस्था यहां बढ़ती गई और आज यह अपने वैभव्यता पर अट्टहास कर रहा है। इसके बाद आइए जरा अब देखते हैं समस्तीपुर में माँ काली शक्तिपीठ मंदिर। दोस्तों समस्तीपुर में माँ काली पीठ शक्ति मंदिर जो है इसका निर्माण 1964 में किया गया। इसके बाद आगे की कड़ी में हम देखते हैं तो अख्तियारपुर चंदौली है। दोस्तों अख्तियारपुर चंदौली पूसा प्रखंड में अवस्थित है, और ये जो है अख्तियारपुर चंदौली यहाँ मुहर्रम का भव्य आयोजन किया जाता है। दोस्तों ये अख्तियारपुर चंदौली में जो मुहर्रम जो होता है दोस्तों, यह मुहर्रम के अवसर पर यहाँ जो ताजिया निकाला जाता है दोस्तों, हिंदू मुस्लिम साथ साथ निकालते हैं, मिलकर के निकालते हैं। अब आगे की कड़ी में देखेंगे पुरानी देवी मंदिर। दोस्तों पुरानी देवी मंदिर क्यों कह रहे हैं, आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। दोस्तों यह पुरानी देवी दुर्गा मंदिर जो है मोहनपुर प्रखंड में अवस्थित है, और यह कहा जाता है कि ये पुरानी देवी दुर्गा मंदिर जो है दोस्तों यहाँ मोहनपुर प्रखंड में जो अवस्थित है, यहाँ आश्विन माह में करीब 85 से 90 साल पहले से लगातार मूर्ति यानी प्रतिमा स्थापित किया जाता रहा है, और अब भव्य मेला का आयोजन भी हो रहा है। आइए इसके बाद दोस्तों देखते हैं तो समस्तीपुर में अपनी वैभवता को आगे बढ़ाने में मन्नीपुर देवी मंदिर का स्थान भी आता है। आइए जरा इन मन्नीपुर देवी स्थान के बारे में देखते हैं, उनके कहानी को भी जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यह मन्नीपुर दुर्गा मंदिर जो है 200 साल पुरानी जिले का एकमात्र जागृत सिद्ध पीठ है, और दोस्तों इस मन्नीपुर दुर्गा माई का जो मंदिर है यहाँ पर लोगों की तो देख रहे थे हम लोग मन्नीपुर दुर्गा मंदिर। दोस्तों मन्नीपुर दुर्गा मंदिर में लोगों का ऐसा मानना है कि लगभग आज से 250 साल पहले इस मन्नीपुर गांव में एक भयानक महामारी फैल गई थी, और दोस्तों इस महामारी का ना कोई दवा था, ना कोई वैद्य था, यानी ना कोई इलाज था, और क्या होता है कि यह महामारी इतना विकराल रूप ले लेती है कि इस महामारी के कारण लोगों के शवों को बैलगाड़ियों से ढो करके शमशान घाट ले जाया जाता था, और इसमें देखते हैं तो चारों तरफ मातम कहीं पसर जाता, सन्नाटा छा जाता, मातम का बहुत बड़ा माहौल बन जाता है। और दोस्तों गाँव के बुजुर्ग लोगों ने क्या किया कि महामाया देवी का आराधना करने लगा। तभी क्या होता है कि एक बूढ़ी माता वहां आती है और नगरवासियों को एक सलाह देती है। सलाह यह देती है कि आप सभी मिट्टी का पिंड बना करके नीम पत्र भजन कीर्तन से माँ की आराधना कीजिए, और दोस्तों इतना कह करके वह बूढ़ी माता जो अंतर्ध्यान हो जाती है, और दोस्तों जो ही अंतर्ध्यान होती है लोगों ने वहां आराधना शुरू वहां करने लगा उसी माध्यम से जो बूढ़ी माता जो कह गई थी।
और दोस्तों धीरे धीरे वहाँ हालात सुधरते गए तो लोगों के भी दिलों में ऐसी आस्था जो है जाग गई कि वह कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि वह वास्तव में माँ भगवती ही आई थी। इसी तरह से क्या होता है कि वहाँ लोगों का आस्था बढ़ते गया और आज यह अपनी भव्यता पर क्या मुस्का रही है। इसके बाद देखते हैं यहाँ समस्तीपुर में एक पर्यटन स्थल बाबा केवल स्थान है। दोस्तों यह बाबा केवल स्थान जो है मोरबा प्रखंड में स्थित स्थान है और यह बाबा केवल स्थान जो है मोरबा में इंद्रवारा में स्थित है और यहाँ रामनवमी के अवसर पर 4 दिनों का राजकीय मेला का आयोजन किया जाता है। दोस्तों इस प्रकार से हम समस्तीपुर के सभी पर्यटन स्थल को देखने का प्रयास किया है। एक पर्यटन स्थल दोस्त और है जो आपको यह त्रिमुहानी उसे हम कहते हैं। दोस्तों यह त्रिमुहानी जो कहा जाता है यह खानपुर के आसपास पकड़ाता है, रोसरा से थोड़ी दूर है यानी पश्चिम आना पड़ता है, यानी 10 किलोमीटर के पश्चिम आना पड़ेगा तो आपको वहां पर मिल जाएगा। दोस्तों यह त्रिमुहानी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर गंडक और बागमती नदी का मिलान है। दोस्तों यहीं पर जो है ये कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भव्य मेला का आयोजन किया जाता है, लोग यहाँ दान पुण्य किया करते हैं। दोस्तों तो आज की कड़ी में हमने सभी समस्तीपुर जिला के पर्यटन स्थल को देखा है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, यदि बढ़िया लगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार लिखें कि कैसा लगा आपको। दोस्तों आप इस तरह अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।